हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सर की स्टूडेंट हूँ। आज मेरा IBPS में फर्स्ट शिफ्ट था एग्जाम में, और रीजनिंग बहुत ही मतलब बोला जाए तो मॉडरेट लेवल का था, इजी तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन लैंग्वेज उसकी काफ़ी ट्रिकी थी। एक 7% नॉर्थ रो में बैठे थे और एक पजल आया था फ्लोर फ्लैट का, जो जिसका लैंग्वेज बहुत ही मतलब बहुत ही ट्रिकी था। हम डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही ट्रिकी था और बहुत ही मस्त पजल था वो। और हमारा एक स्टैक का पजल आया 7 stacks के, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आए थे, 5 या 6 questions आए थे, जिसमें से एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत ही ट्रिकी था। उसके क्वेश्चंस को 3-4 बार रीड करने के बाद जाके वो मतलब क्वेश्चन बना। फिर सिलॉग्स के 3 या 4 questions आए थे, इनइक्वालिटी के भी वैसे 3 या 4 questions आए थे। फिर हमारा ब्लड रिलेशन कुछ भी नहीं आया था। हमारा जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है उसमें से 2 questions आए थे, एक के 3 या 4 questions थे और एक का सिर्फ 2 questions था। बहुत ही इजी पेपर रहा। मेरे मैथ्स में 26 attempts रहे, इंग्लिश में 21, और रीजनिंग में काफ़ी टाइम लगने के कारण मेरे सिर्फ 25 attempts हो पाए। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी और मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है।